बिग बॉस OTT 2 के लाइमलाइट में आए अभिषेक मल्हान की शो के बाद पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या भी काफी बढ़ गई। अक्सर खुश मिजाज रहने वाले अभिषेक को कभी जेल की हवा खाने की नौबत आ गई थी। ये सब कैसे हुआ, इसका खुलासा खुद उन्होंने किया है। अभिषेक मल्हान YouTube पर कई तरह के वीडियोस बनाते हैं, इसी के जरिए वे अपनी आमदनी भी करते हैं। आज इस बिजनेस में आगे निकल चुके अभिषेक कभी जेल की हवा खाने वाले थे। ये सब उनकी एक छोटी सी गलती के कारण हुआ था। क्या है वह किस्सा, चलिए जानते हैं। अभिषेक ने अपने भाई निश्चय मल्हान के साथ यूट्यूब ठगेस को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने जेल जाने वाला किस्सा सुनाया था। उसने जेल जाने वाला किस्से के बारे में पूछा गया था। इस पर अभिषेक ने कहा, जाने वाले थे कि आप मत्था टेक कर आया हो। अभिषेक ने बताया कि वह 21 की उम्र में एक बिजनेस कर रहे थे मिस्टर बॉन्ड के नाम से। इस कंपनी से यूट्यूब से ज्यादा पैसा आता है, उसी में वो क्लिनिक आइटम बनाते थे। अभिषेक ने बताया कि कोविड के टाइम उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर खूब सारा सैनिटाइजर बनाया था। फिर ट्रिगर इंसान यानी कि निश्चय मल्हान ने बताया कि उसकी वैल्यूएशन बहुत थी। शॉक टैंक में जाते तो बड़ा ऑफर हो जाता। अभिषेक ने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि सैनिटाइजर बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। होली से दो दिन पहले रेड पड़ी थी, NCB आ गई थी, उन लोगों ने कुछ केस बना दिया था, सब परेशान हो गए थे। अभिषेक ने बताया कि उन्हें जेल भेजने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में सब सेटलमेंट हो गया और सब बच गया।